सो गाइज हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइज अभी मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं बता रहा हूँ, सिलेंडर बैक मार गया था एक स्टेशन पे। डॉटर बूस्टर स्टेशन है, ICL की मशीन है और उसका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दो स्टेज होते हैं उसमें। तो उसका फर्स्ट स्टेज का सिलेंडर जो है बैक मार गया था। बैक मारना इन द सेंस कि उसकी ओरिंग कट गई थी, पिस्टन्स की ओरिंग और हाउसिंग ब्लॉक है उसका ओरिंग डैमेज हो गया था, राइट। तो उसको हम चेंज किए हैं, साइट पे काम हुआ है, पूरा डीप फोटोज रखा हूँ, उसको डीप एक्सप्लेन करूँगा। अभी वो स्क्रीन रिकॉर्डर से ऑन करके मैं आपकी आगे बता रहा हूँ उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पूरा अंत तक वीडियो देखना ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। कभी भी किसी भी साइट पे, चाहे वो किसी भी कंपनी का बूस्टर हो, उसमें अगर ऐसी कंडीशन आई तो आप समझ जाना कि ओरिंग वगैरह डैमेज हो गई है, कुछ इंटरनल पैड डैमेज हो गई, उसको रिपेयर कैसे करेंगे, वो चीज़ें मैं इसमें पूरा डीप बता दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे ना तो फिर आपको कोई अदर डाउट्स नहीं रह जाएंगे। रहते हैं तो कमेंट करो, उसका मैं एक्सप्लेन अलग से कर दूंगा। बट आई होप कि मैं इतना डीप तरीके से बता दूंगा कि कोई उसमें डाउट नहीं रह जाएगा कि कैसे क्या करना है उसमें, ठीक है। सो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आते हैं और उस पर आपको दिखाता हूँ पार्ट्स, उसका नाम भी बताऊँगा और कैसे उसको रिप्लेस करना है ये भी। सो दोस्तों अब मैं कर लिया हूँ मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, एक एक पार्ट बताऊंगा कैसे उसको रिप्लेस करना है, कैसे पता करना है कि डैमेज हुआ। पहले तो आप देखो कितनी ऑयल बिखरी हुई है इसमें, ठीक है। और ये फ्रंट साइड का फोटो है, इसमें ये देखो ये जो दो ट्यूब दिख रही है ना, यहीं से खोल के चेक किया जाता है कि फर्स्ट स्टेज में दिक्कत है या सेकेंड स्टेज में दिक्कत है, ठीक है। कैसे चेक करना है वो मैं एक वीडियो शॉर्ट्स वीडियो बना के डाला हूँ, वो आप विजिट करो चैनल, वहाँ भी दिख जाएगा। तो हमने रेक्टिफाई क्या किया कि फर्स्ट स्टेज के सिलेंडर में जो है कोई ओरिंग कटी हुई है, ठीक है। तो हमने खोलने के लिए लग गए। अब दिखाता हूँ आपको एक एक पार्ट, पूरा वीडियो देखना ताकि पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। हम पूरी टीम यहाँ पे काम कर रहे हैं और बिना टॉर्क रिंच का अपन खोले थे इसको, पूरी टीम हमारी यहाँ पे आ गई थी, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। अब देखो मैं ये इधर ही खड़ा हूँ, ठीक है। और सेकेंडरी हमने बाहर निकाला और देखो कैसे जुगाड़ करके साइट पे काम किया जाता है, ये भी आप समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया सिलेंडर ऑन, सॉरी सिलेंडर ओपन कर रहे हैं, ऑन बोल रहा हूँ मैं। सिलेंडर ओपन किए, काफ़ी मेहनत करने के बाद सिलेंडर खुला और हम इस काम को इंजॉय किए। एक्चुअल में बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगता है साइट्स पे ऐसे काम करने का मौका अगर मिलता है तो, और कभी भी आपको मौका मिले तो जाओ और साइट पे काम देखो। अब देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं पिस्टन रॉड, क्या बोलते हैं, पिस्टन रॉड, ठीक है। और ये जो है आपका पिस्टन है, ऊपर ये पिस्टन रॉड है और ये पिस्टन है, और ये जो आपका पार्ट है ना यहाँ लगता है पिस्टन की ओरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे तीन आइटम लगा हुआ है, तो ये तीनों आइटम है ना, कभी भी साइट पे आपको प्रॉब्लम हो ना, बस आप मेरी वीडियो विजिट करके देख लो, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं CNG लाइन में इतनी चीज़ें बता दूंगा ना कि आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा अंदर से, ठीक है। तो हमने इसको खोल लिया है और पता चला क्या है कि ये बीच में जो ब्लैक वाली ओरिंग है इसको क्या बोलते हैं, AQ सील, क्या बोलते हैं, AQ सील। इसके अंदर भी एक ओरिंग होती है, बहुत मोटी ओरिंग होती है, कभी आप खोलोगे तो उसको आप चेक कर सकते हो, वो पता लगेगा, ठीक है। अभी आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो अपन ने पूरा जुगाड़ करके खोले, पिस्टन निकालने के लिए आपको यहाँ पे होता है गर्भ स्क्रू, ये फिंगर जहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे होता है एक गर्भ स्क्रू, इसको खोलना होता है पहले। उसमें 4 की LN की लगती है, कितने की, 4 की LN की लगेगी, ध्यान रखना, ऐसे नहीं पिस्टन को घुमा दो। और पिस्टन घुमाने के लिए ना एक जिस भी कंपनी का जो आपके पास बूस्टर है ना, एक वो क्लैंप दे रखता है, ठीक है, जिसमें आप ये जो दो होल है ना इसमें आप बोल्ट फंसाओगे और एक बड़ी लंबी लोहे की समझ जाओ पत्ती जैसे होती है ना वो होती है, उसमें होल क्या रहता है वो एग्जैक्ट इसी नाप पे रहता है, ठीक है। और इसको घुमाना होता है, तो उसके पहले आप ये बोल्ट जहाँ पे फिंगर है ना वो बोल्ट खोल लो, गर्भ स्क्रू उसको कहते हैं, उसको खोल लो, उसके बाद ही घुमाओ, नहीं तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये स्टड है और ये स्टड की क्या है, थ्रेड्स हैं, तो कभी भी खोलो ना आप तो ध्यान से खोलो कि जो आपका थ्रेड है ये डैमेज ना हो, ठीक है, क्योंकि ये स्टड जो है ना लिमिटेड आते हैं, यानी कि 4 है, आपको एक्स्ट्रा और कोई एक्स्ट्रा लेके भी नहीं रखता इन चीज़ों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अपन हमने खोल के हर एक चीज़ हर एक एंगल से देखे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास टूल कम है तो आप ओपन नहीं कर सकते, हमने सारी चीज़ों को ओपन कर दिया, बस आप थोड़ा मेहनत करो और आपको पता लगेगा। एक एक एंगल से आपके पास फोटो है, ये देखिए स्लाइड रिंग भी डैमेज हो चुकी थी, ठीक है, ये स्लाइड रिंग भी डैमेज हो चुकी थी, तो हमने इसको नया रिप्लेस किया।
दोस्तों कभी भी आपको साइट पे कभी भी इशू हो तो मेरा वीडियो बस विजिट कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आप लोग देख रहे हो। अब देखो ये ओरिंग, ये हाउसिंग ब्लॉक इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे होज लगता है इसलिए, ठीक है। अब ये इसका बॉटम हेड है, इस पर आप देखो क्या लगा है, इसका क्या लगा है ओरिंग, यहाँ पे ब्लैक कलर दिखाई दे रही है, ये भी डैमेज हो गया। अब हमें इसको भी चेंज करना है, तो हम क्या किए, इसमें चेंज किए और इसके पीछे जो लगा है उसको बैकअप रिंग कहते हैं, वो भी अपन चेंज कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए ये कैसे निकाला गया, एक चीज़ मैंने बोला था ना, स्लाइड रिंग भी डैमेज हो गया था, उसको भी हमने निकाला। और नीचे जो ओरिंग दिख रही है ना, एक्चुअल में एक क्यू सील के ऊपर का है, एक क्यू सील ये है, इसके ऊपर का ये ओरिंग है जो हमने हटा दिया। तो फाइनली हमने उसको कर दिया चेंज। अब देखिए यहाँ से स्लाइड रिंग हटाया ना, हमने चेंज कर दिया उसको, और ओरिंग यहाँ से हटाया ना, बीच में ये देखो दिख रहा है, बीच में कुछ नहीं है ना, ये ब्लैक कलर की उसके ऊपर की ओरिंग हमने कर दिया चेंज। फिर हम फाइनली लगाने के ऊपर आ गए, और एक सेकंड दिखाता हूँ। हाँ, इसको भी हमने टेफलॉन लगाया और पीछे की बैकअप रिंग सही थी, उसे ने हमने उसको सही कर दिया। देन हम क्या लगा के, अब ये देखो थोड़ी देर में इसको छोड़ना होता है चेक करने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं ना, एक मैच नहीं कर रहा। अभी देखो ये जो मैच नहीं कर रहा था उसको हमने लगा दिया, ठीक है, कैसे मैंने आपको जो बताया था, ठीक है। और पिस्टन पूरा खुल चुकी थी यहाँ पे, इसके अंदर भी एक ओरिंग होता है, इसके अंदर भी एक ओरिंग होता है, ठीक है। वो ओरिंग भी चेक करना होता है कि सही है या डैमेज है, डैमेज हो तो बदल दो, मैक्सिमम अगर आपने पिस्टन खोल दिया ना तो आप बदल दो, पिस्टन इसी थ्रेड पे लगा होता है, ठीक है। ये देखो ये पिस्टन की ओरिंग है जो उसके अंदर लगेगा, ठीक है, ये चला गया पूरा, पिस्टन के अंदर से काफी डैमेज हो चुका है। नहीं अभी एडिट करूंगा ना पूरा। देखो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देखो मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है यार, सब बोलते हैं हाँ बनाओ और शेयर करो इस चीज़ों को, ठीक है, बहुत सपोर्टिव टीम है हमारी, बहुत मजे काम करते। देखो अपन काम करते करते थोड़ा उसमें कुछ खा भी रहे हैं, हमारे एक सीनियर है वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है एक्चुअली। एसी रॉड की मैं बात कर रहा था, जो प्लेट दिख रही है ना यही रहता है खोलने के लिए, ठीक है, पिस्टन खोलने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब लो ये क्या है, पिस्टन ओरिंग, अपन बुरा नाम भी बता रहा हूँ उसमें जो उसमें हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑयल स्टेप सील, स्टेप सील क्या होता है, जो मैं एक ही सील बताया था ना, एक ही सील के ऊपर लगता है वो स्टेप सील होता है। बहुत अपन तरीके से इस वीडियो में देखो आपको डाउट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये ओरिंग कहाँ लगता है, देखो ये ऑयल स्टेप सील, ये एक्चुअल क्या होता है, जो हाउसिंग ब्लॉक है ना उसके बीच उसके अंदर से होके जाता है आपका पिस्टन रॉड, ठीक है, उसके अंदर से होके जाता है, तो उसके अंदर ये लगता है, जैसे स्टेप सील बाहर लगते हैं ना उसे हाउसिंग ब्लॉक के भी अंदर लगते हैं, ठीक है। तो हमने फाइनली इन चीज़ों को किया फिट, ये लगेगा आपके टॉप हेड पे, ये देखो लगा के हमने कर दिया है रेडी, ये आपके पास है फोटो। टेफ्लॉन मारने से ना थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि पहले वो जो चीज़ें रहेगा वो हो जाएगा। सेकेंडरी देखो मैंने बोला ना पिस्टन की ओरिंग भी ख़राब हो गई थी, तो ये देखो किस तरीके से डैमेज हुई है। अगर कभी भी आप सिलेंडर खोलो ना, कभी भी अगर आप सिलेंडर खोल रहे हो तो आपको चेक कर लेना है पिस्टन खोल के उसकी ओरिंग डैमेज हुई है या नहीं हुई है। देखो किस तरीके से हुआ, देखो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इस तरीके से चीज़ें डैमेज हुई हैं। तो आई थिंक कि मैंने पूरा आपको बता दिया कि क्या क्या डैमेज हुआ और कैसे पार्ट को हमने एक्सचेंज किया, और फाइनली हमारी मशीन जो है अब आएगी रनिंग में, ठीक है। तो अब पूरा मशीन का कंडीशन बदल गया, मशीन सही हो गया और मशीन चल रही है, मशीन रनिंग में है, पूरा क्लीनिंग क्लीनिंग सारा हो गया। देख लो कभी भी मशीन चलाओ, मशीन को क्लीन रखो, अच्छा से रखो, और मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ों को बता दिया है, क्या कैसे लगाना है, कैसे रिमूव करना है, क्या क्या चेक करना है। तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करना, और सेकेंडरी चीज़ आप शेयर करो अपने दोस्तों के बीच ताकि वो कनेक्ट हो और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।